करवा चौथ के लिए आपने भी शॉपिंग कर ली होगी और नहीं की होगी तो करने वाले होंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम नई साड़ी नहीं खरीदना चाहते हैं और अपनी पुरानी साड़ी को ही रीयूज़ करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी सोच रहे हैं कि इस बार हम अपने लिए नई साड़ी ना खरीद के बल्कि अपनी पुरानी साड़ी को ही किसी दूसरे स्टाइल से पहन ले जिससे कि वो नया लुक ले सके, तो इस वीडियो में आपके लिए यहाँ पर काफ़ी सारी ऐसी टिप्स हैं जिन्हों फॉलो करके आप अपनी पुरानी साड़ी को और स्पेशली इस वीडियो में मैं शेयर करूँगी आपके साथ सिल्क साड़ी को फिर से रीयूज़ करके अलग तरीके से स्टाइल करके आप कैसे नया लुक पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गॉर्जियस वाइंस। और आज के लिए इस वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएंगे कुछ ऐसे टिप्स, कुछ ऐसे आइडियाज़ जिनको फॉलो करके आप अपनी पुरानी सिल्क की साड़ी को एक नए स्टाइल में यूज़ कर पाएंगी और आपका कम बजट में ही काम चल जाएगा जिससे कि आप ज़्यादा खर्चा करने से भी बच पाएंगी। और यकीन मानिए, जब आप उस साड़ी को नए तरीके से पहनेंगी तो किसी को यकीन नहीं होने वाला कि आपने अपनी पुरानी साड़ी ही पहनी है। और वैसे भी सिल्क की साड़ियाँ कभी पुरानी नहीं होती, कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होती। तो एक बार अपनी पुरानी साड़ी को निकालिए, सिल्क साड़ी को, और नए तरीके से उसको स्टाइल कीजिए। फिर देखिए, करवा चौथ पर हर किसी की नज़रें आप पर ही होंगी और आप खुद भी देखेंगी कि आपकी साड़ी जो कि पुरानी है लेकिन उसका लुक आएगा बिल्कुल ही नया। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए, सभी पॉइंट्स को ध्यान से देखिए और उसमें जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं उनको फॉलो कीजिए और अपनी पुरानी सिल्क की साड़ी को दीजिए एक नया सा लुक। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी करके जाइए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहला जो टिप है तो सिल्क साड़ी को दोबारा से रीयूज़ करने का, एक नए स्टाइल में रीयूज़ करने का, वो एक बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है आपके लिए आइडिया। तो सबसे पहला जो आइडिया है वो ये है फ्रेंड्स कि अपने सिल्क साड़ी के साथ जो ब्लाउज़ है आपका उसको आप चेंज कर दीजिए। आजकल ऑफ शोल्डर ब्लाउज बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, तो आप भी अपनी साड़ी के साथ ऑफ शोल्डर ब्लाउज़ बनवाइए सिल्क साड़ी के साथ। देखिए, इतना प्यारा लुक देगा आपकी साड़ी को कि आप सोच भी नहीं सकती हैं। और उसके साथ साथ ही आप सिल्क साड़ी को जब स्टाइल करेंगी तो उसके साथ स्टाइल कीजिए अपने बेल्ट को। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बेल्ट आप खुद भी बना सकती हैं या मार्केट से ख़रीद भी सकती हैं। या आपके पास कोई लेस रखी हो या आपके पास कोई नेक पीस रखा हो उससे भी आप ये बेल्ट क्रिएट कर सकते हैं जो कि देखने में बहुत प्यारा लगता है और फेस्टिव वाइब भी देता है। तो ट्राई ज़रूर कीजिए। उसके बाद आता है नंबर टू आइडिया। जी हाँ, सेकंड नंबर पे जो आइडिया है वो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। और ये जो आइडिया है वो ये है कि जब आप अपनी सिल्क की पुरानी साड़ी को पहने तो इसको आप इस तरह से पहनिए कि आपको मिल सके बिल्कुल ट्रेडिशनल लुक। जी हाँ फ्रेंड्स, सिल्क की साड़ी में ट्रेडिशनल लुक आता है और इसके लिए अगर आपको ट्रेडिशनल ही रखना है पूरी तरह से अपने लुक को, तो आप वियर कीजिए अपनी सिल्क की साड़ी को बिल्कुल अच्छे से पिनअप करके। और इसके साथ साथ ही पिनअप करने के बाद या इसके साथ आप जो ज्वेलरी पेयर करेंगी वो आप पेयर करेंगी लॉन्ग नेक पीस। जी हाँ फ्रेंड्स, जब अपनी सिल्क साड़ी के साथ आप लॉन्ग नेक पीस डालेंगी तो इसका लुक बिल्कुल ट्रेडिशनल आएगा और आपकी साड़ी का जो स्टाइल है वो एकदम से ही चेंज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अपनी कोई भी पुरानी साड़ी लीजिए सिल्क की और उसको अच्छे से पिनअप करके रेडी हो जाइए और उसके बाद एक लॉन्ग नेक पीस को उसके साथ स्टाइल कर लीजिए। देखिए, आपका लुक एकदम ही चेंज हो जाएगा। अब बारी आती है नंबर थर्ड आइडिया की। और नंबर थर्ड आइडिया भी आपके लिए बहुत ही काम का आइडिया हो सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो नंबर थ्री पे जो मैंने आइडिया रखा है वो ये है कि जब भी आप अपनी पुराने सिल्क की साड़ी को पहने तो उसके साथ आप पल्ले को खुला रख सकती हैं और साथ ही साथ उसके साथ गजरा पेयर कर लीजिए। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सभी जानते होंगे कि जो हमारी सिल्क की साड़ी होती है उसके साथ गजरा बहुत सुंदर लगता है। आप चाहे तो खुले बालों में गजरा लगा सकती हैं या बालों का एक प्यारा सा बन बना के भी गजरे को स्टाइल कर सकती हैं। तो ये साड़ी चाहे आप पिनअप करके पहने
चाहे आप ओपन पल्लू करके पहने, इसके साथ एक प्यारा सा गजरा ज़रूर स्टाइल कीजिए। यकीन मानिए ये आपके साड़ी को ही के लुक को ही चेंज कर देगा और करवा चौथ पर आप लगेंगे इतनी प्यारी कि लोगों की निगाहें नहीं हटेंगी। तो ट्राई ज़रूर कीजिए। उसके बाद है नंबर 4 आइडिया, और नंबर 4 आइडिया भी बहुत ही प्यारा सा आइडिया है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप अपनी सिल्क के साड़ी को स्टाइल कर रही हैं इस करवा चौथ पर, तो आप भी इसको यूज़ कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, जब अगर आप सिल्क की साड़ी पहन ही रही हैं तो उसके साथ आप 3/4 स्लीव वाला ब्लाउज बनवाइए, मतलब कि थोड़ी सी लंबी बाजू वाला स्लीव्स अब अगर आप पहनेंगे साथ, तो लुक आपका जो आएगा साड़ी में वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगेगा। तो फ्रेंड्स, अपनी जो ब्लाउज है उसको चेंज करके उसके स्लीव्स को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसको आप थोड़ा सा लंबी स्लीव वाला ब्लाउज बनवाइए और फिर देखिए आपकी साड़ी का लुक बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अपनी जो सिल्क साड़ी के साथ आपका पुराना ब्लाउज रखा हुआ है उसको चेंज करके अपनी थोड़ी सी लंबी बाजू वाले स्लीव्स वाला ब्लाउज बनवाइए और अपनी साड़ी को करिए एक नए स्टाइल में स्टाइल, तो देखिए फिर लुक कितना बेहतर आता है। उसके बाद आती है नंबर 5 आइडियाज़ की, और नंबर 5 जो आइडिया है वो भी बहुत ही यूज़फुल आइडिया हो सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप सिल्क की साड़ी पहन रही हैं इस करवा चौथ पे, तो आप इस आइडिया को ज़रूर फॉलो कीजिए। और ये आइडिया ये है कि जब आप अपनी सिल्क की साड़ी को पहने तो इस तरह से आप पल्लू को क्रॉस करके स्टाइल कर सकती हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ये देखने में बहुत ज़्यादा ट्रेंडी लगता है और ये बहुत ज़्यादा आपको कंफर्टेबल भी रखेगा, मॉडर्न लुक देगा आपकी साड़ी को। इसके साथ साथ ही आपको जो पिक में ये पल्लू दिखाई दे रहा है, इस तरह से भी आप अपनी साड़ी को सेट कर सकती हैं, यानी कि हम अपनी साड़ी को अलग अलग पल्लू बनाकर भी एक नया लुक दे सकते हैं। आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग और अपने स्टाइल के अकॉर्डिंग अलग अलग तरह से साड़ी में पल्लू बना सकती हैं, जिससे कि आपकी साड़ी का लुक बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इस बार अपनी सिल्क साड़ी में एक नए स्टाइल से पल्लू बनाकर पहनिए, देखिए आपकी साड़ी का लुक ही चेंज हो जाता है। तो ट्राई जरूर कीजिए। इसके बाद आती है नंबर 6 टिप के बारी, और नंबर 6 भी है बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल, तो इसको भी आप ज़रूर देखिए। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप पहन रही हैं सिल्क की साड़ी तो ये टिप ही आपके काम आने वाला है। तो अपनी जो सिल्क की साड़ी है उसको आप सीधे पल्ले से पहन कर देखिए। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर अब तक आपने उल्टे पल्ले की साड़ी ट्राई की है तो इस बार आप सीधे पल्ले की साड़ी स्टाइल करके देखिए, अपने सिल्क साड़ी को सीधे पल्ले में पहन के देखिए। देखिए इसका लुक बिल्कुल ही चेंज आता है, और इसका जो लुक निकल के आएगा वो आप खुद सोच भी नहीं सकती है कि कितना प्यारा लुक आने वाला है। इसके साथ साथ जो आपकी ब्लाउज है उसको आप अलग तरीके से बनवा सकते हैं, चाहे तो आप वी नेक वाला बनवा सकती हैं और चाहे तो आप थोड़ा डीप नेक करवा सकती हैं, जिससे कि आपकी जो साड़ी है उसका लुक बहुत ही ज़्यादा चेंज हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे छोटे से वीडियो जिसमें आपने देखा कि अपने ब्लाउज़ को चेंज करके, अपने पल्लू के स्टाइल को चेंज करके या अपने बालों के लुक को चेंज करके भी हम अपनी पुरानी साड़ी को एक नया लुक दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको पुरानी साड़ी ही यूज़ करनी है, नई साड़ी नहीं खरीदनी है, तो इन टिप्स को फॉलो कीजिए और अपनी पुरानी साड़ी को इस करवा चौथ पर दीजिए बिल्कुल प्यारा सा नया लुक।